वो पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे अगले ग्रामर से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन टैग ग्रामर सॉल्व करना है तो उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसको कहा जाता है। तो आज हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वो किस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो यहाँ पर हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एक्चुअल में किसको कहा जाता है। What is the meaning and definition of contracted form? अगर आप देखेंगे बोर्ड पर तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ हूँ, contracted form is a grammatical term. Contracted form क्या है? एक grammatical term है, एक grammatical term है. It refers, जो कि refers करता है to short words. क्या करता है? Short words made by putting two words. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज ए ग्रामेटिकल टर्म, इट रिफर्स टू शॉर्ट वर्ड्स मेड बाय पुटिंग टू वर्ड्स, मतलब दो अल्फाज को क्या करता है? टुगेदर करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, इसके जरिए बाय एन एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी के जरिए दो अल्फाज को जब हम कनेक्ट करते हैं, टुगेदर करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। किसके जरिए? एपोस्ट्रॉफी के जरिए उसको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैं जिसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चन टैग जब हम ग्रामर सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने दो अल्फाज लिखे, इज नॉट, am not, are not, do not, does not, did not, will not, shall not. उसके बाद was not, were not, इसको were नहीं पढ़ेंगे, इस were not, have not, has not, had not, would not. हम ये दोनों words को जो यहाँ पे अपनी first box में और यहाँ third में लिखे गए, इसको हम क्या करेंगे? Together करेंगे, जोड़ेंगे, putting back two words. यहाँ पे is और not दोनों अलग अलग अल्फाज हैं, हम इसको apostrophe से क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसको contracted form में तब्दील करेंगे। तो is not को जब हम contracted form में convert करेंगे तो is not हो जाएगा isn't. यहाँ पे पहले मैंने definition में बताया कि apostrophe, अब यहाँ पे apostrophe को समझते हैं। इस तरीके से in और not के बीच में जो मैंने comma दिया है इसको apostrophe कहा जाता है। और जब इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये दो अल्फाजों को जोड़कर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तब्दील करेंगे तो उसकी कुछ स्पेलिंग को ओमिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इज नॉट इजंट हो गया, यहाँ पे ओ जो लफ्ज है, जो ओ अल्फाबेट है, इसको निकाल दिया गया, तो इज नॉट का इजंट हो गया। इसी तरीके से एम नॉट आरंट होगा। अब यहाँ पर जैसे एक रिदम बनती है, इज नॉट isn't, would not, wouldn't, do not, don't. तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसको जब हम contracted form में तब्दील करेंगे तो उसके contracted form जो है बदल जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे am not, हम am not कभी नहीं लिख सकते हैं, बल्कि am not क्या हो जाएगा? aren't हो जाएगा। यहाँ पे ये बात बिल्कुल ध्यान देंगे, जब कभी भी सेंटेंस में am not इस्तेमाल हुआ है और उसको हमें contracted form में तब्दील करना है तो am not is converted into aren't, aren't में तब्दील हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर are not जब उसको contracted form में हम तब्दील करेंगे तो are not aren't ही रहेगा। ये दोनों के अंदर confusion अक्सर होता है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है कि अगर sentence में am not इस्तेमाल हुआ है तो उसका contracted form aren't रहेगा, आर नॉट इस्तेमाल हुआ है तब भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट रहेगा। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, डू नॉट डोंट हो जाएगा, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, विल नॉट ओंट होगा। अब यहाँ पर विल नॉट के अंदर भी चेंजेस आएंगे, विल नॉट का विलंट कभी नहीं होगा, बल्कि विल नॉट इज कन्वर्टेड इंटू वोंट, विल नॉट के क्या हो जाएगा? ओंट में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से शल नॉट कभी शलंट नहीं होगा, बल्कि शल नॉट इज कन्वर्टेड इनटू शैंट। यहां पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, विल नॉट का क्या हो जाएगा? वोंट हो जाएगा, शल नॉट इज कन्वर्टेड इनटू शैंट।
इसी तरीके से बाकी एज इट इज रहेगा, वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, वरंट, हैव नॉट, हैवंट, हैज नॉट, हैजंट, हैड नॉट, हैडंट एंड वुड नॉट, वुडंट, इस तरीके से और भी हो गए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको बताए। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसको कहा जाता है? जब हम दो अल्फाजों को टुगेदर एक साथ करके उसको शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाता है। द डिफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज ए ग्रामेटिकल टर्म, इट रिफर्स, जो रिफर करता है शॉर्ट वर्ड, वर्ड्स को शॉर्ट करता है, एब्रीवेट करता है, मेड बाय पुटिंग टू वर्ड्स टुगेदर, दो अल्फाजों को एक साथ मिलाकर बाय एन एपोस्ट्रोफी। So these are the examples of contracted form. I hope that you have आपको ये समझ में आया होगा। इसका अगला जो ग्रामर हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो आपको पहले इसकी स्टडी कर लेना है किस तरीके से कौन से अल्फाज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस तरीके से तब्दील होगा। थैंक यू वेरी मच।